अस्सलाम वालेकुम। फौसे फूड चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम झटपट बनाने वाली रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए, जो आज हम बना रहे हैं पोटैटो एग स्टेक, पोटैटो स्नैक्स बना रहे हैं आज हम, जिसके लिए हमने 2 अंडे लिए, उसको बॉईल कर लिया, और 4 मीडियम साइज के आलू लिए, और ये धनिया लिया है, शिमला मिर्च है, टमाटर लिए, और ये हमारे मसाले हैं नमक, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्चें। तो आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो अंडे हैं इनको ग्रेट कर लेंगे, दोनों अंडों को हम ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें जी, दोनों अंडे हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला, वो कटी हुई हरी मिर्चें। ये हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, ये जाएगा नमक, ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और ये हम डालेंगे शिमला मिर्च। ये हम थोड़े से अच्छा सा कलरफुल बनाने के लिए हमने इसके बीज निकाल दिए, और टमाटर डालेंगे ताकि प्यारा सा लगे, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मिक्स कर लेंगे इसको ताकि ये अच्छी तरह से यकजा हो जाए। ये देखें, हम इसके लिए 2 स्टिक्स लेंगे, क्योंकि एक लेंगे तो ये घूम जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो हम ये 2 लेंगे, इसको इस तरह से करके, और इस तरह से हम इसको यूँ कोट कर देंगे, बिल्कुल दबा दबा के, ताकि ये निकले नहीं, ठीक है। इस तरह से हम इसको शेप दे लेंगे अच्छा सा, लॉलीपॉप्स की तरह का, या आप कोई और भी शेप दे सकते हैं इसको, ठीक है। मैं ये दूंगी, ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरह से करके अब हम सब बना लेंगे, बना के सब इस तरह रख लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, हमने सब बना के स्टिक्स अपनी तैयार कर ली हैं बिल्कुल। अब इसके लिए हम एक बैटर तैयार करेंगे, जिसको इसके अंदर हम डिप करेंगे। अब हम इसके लिए एक होल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 कप लिया है मैदा। अब इसके हम थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे, और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, ताकि जब हम कोट करें तो इसका भी फ्लेवर आए। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। ये देखें, अब हम इसको इसके अंदर थोड़ा सा डिप करेंगे, थोड़े से चमचे की मदद से इसको हम डिप कर देंगे, ताकि हम इसको हिलाएंगे ज़्यादा तो इसकी स्टिक थोड़ी सी हिल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे बिल्कुल, इस तरह करके हम सारी कर लेंगे, थोड़ा दबा दबा के हम लगा देंगे, ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये स्टिक हो गए हमारे। इस तरह करके हम सब कर लेंगे, और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये हमारी सारी स्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें, अब हम इन्हें डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको, बस हम 3-3 करके डालेंगे। एक साइड से पहले गोल्डन कर लेंगे, फिर दूसरे साइड से करेंगे। देखेंगे स्टिक्स हमारी हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें, हमारे लॉलीपॉप स्टिक्स तमाम तैयार हैं।
ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हैं, देखें। ठीक है, मेरी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।